हेलो डियर पेरेंट्स, कैसे हो? जय माता दी। आज मैं आपके साथ आपके घर के नन्हे मुन्ने प्यारे से बेबी के लिए फाइबर से भरपूर हेल्दी फूड की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। इस फूड को आप अपने बेबी को ब्रेकफास्ट में आसानी से दे सकते हैं और यकीन मानिए, इस फूड को खाने से आपके बेबी का वजन तो बढ़ेगा ही, साथ ही साथ आपके बेबी की हड्डियों की मजबूती, तेज दिमाग और शारीरिक विकास बहुत ही अच्छे से होगा। तो चलिए दोस्तों, इस हेल्दी फूड को बनाना तैयार करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, एक मिक्सी ग्राइंडर का जार ले लिया है, 3 छोटे चम्मच रेगुलर ओट्स ले लिया है, 1 अखरोट ले लिया है, 1 बादाम, 1 काजू और 10 से 15 हमने किशमिश ले ली है। इसे हम जार में ऐड कर लेंगे और इसका एक फाइन सा पाउडर बनाकर तैयार कर लेंगे। अब दोस्तों, गैस की फ्लेम ऑन करते हुए गैस के ऊपर पैन रख लेंगे, 1 चम्मच घर का बना देसी घी ले लेंगे, गैस की फ्लेम लो कर लेंगे और घी को अच्छे से गर्म होने देंगे। अब दोस्तों, जो हमने पाउडर बनाकर तैयार किया है इसे पैन में ऐड कर लेंगे और लो फ्लेम में अच्छे से 1 मिनट तक भून लेंगे। और यकीन मानिए दोस्तों, यह फूड बेबी को बहुत ही आसानी से पच जाता है और बेबी का पेट लंबे समय तक भरा रहता है। अब यहाँ पर 1 मिनट लगभग हो चुका है, जो ओट्स है अच्छे से भूनकर रेडी हो गए हैं। इसके बाद दोस्तों, 1 स्मॉल साइज गिलास के बराबर पानी ले लिया है, इसे पैन में धीरे धीरे ऐड करेंगे और ओट्स को अच्छे से पानी में मिक्स कर लेंगे। और याद रखें, फूड में एक भी लम्स ना बने। अच्छे से यहाँ पर हमने पानी ऐड कर लिया है और फूड में अब एक भी लम्स नहीं है। अब 1 स्मॉल साइज गिलास के बराबर काओ मिल्क ले लेंगे, इसे ऐड कर लेंगे और जो आप अपने बेबी को मिल्क देते हो वो इस फूड में ऐड कर सकते हो। अच्छे से धीरे धीरे दूध को ऐड करते रहेंगे और करछी से मिक्स करते रहेंगे। अब दोस्तों, इस फूड को हम लगभग 1 से 1.5 मिनट तक लो फ्लेम में अच्छे से उबाल आने देंगे और बीच बीच में दोस्तों करछी की सहायता से चेक भी करते रहिए जो हम बेबी के लिए फूड बना रहे हैं वो पैन के तले में नीचे ना चिपके। और इस फूड को खाने से दोस्तों आपके बेबी का शारीरिक विकास बहुत ही अच्छे से होगा। तो यहाँ पर फूड अच्छे से बनकर रेडी हो गया है। बस दोस्तों, गैस की फ्लेम बंद कर लेते हैं और फूड को अच्छे से ठंडा होने देते हैं। तो फूड यहाँ पर देख रहे होंगे अच्छे से ठंडा हो चुका है। अब हमने हाफ बनाना ले लिया है, इसे हम अच्छे से मैश कर लेंगे और इसे हम फूड में ऐड कर लेंगे, अच्छे से करछी से मिक्स कर लेंगे। और अगर आपके बेबी को कोई अदर फ्रूट पसंद है तो आप इसमें बनाना की जगह कोई अदर फ्रूट भी ऐड कर सकते हो। बस दोस्तों, हम अब फूड को एक सर्विंग बाउल में निकाल लेते हैं और अपने शिशु को फूड खिलाने के लिए रेडी कर लेते हैं। जो मेरी शिशु है वो 1 ईयर की कंप्लीट हो चुकी है, उसी के लिए ये हेल्दी फूड बनकर तैयार हुआ है। और आप इस फूड को अपने बेबी को ब्रेकफास्ट, डिनर किसी भी टाइम पर आसानी से बनाकर दे सकते हैं। तो बस दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर मेरे द्वारा बताई गई हेल्दी फूड की रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा ताकि जब भी नेक्स्ट वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन के थ्रू आसानी से मिल जाए। और दोस्तों, फूड से रिलेटेड, बेबी से रिलेटेड अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी।